हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही इजी और बहुत हेल्दी डिश जिसका नाम है मसाला ओट्स। और ओट्स, जैसे कि आप सबको पता है, इट इज़ इनक्रेडिबली न्यूट्रिशियस, वेरी रिच इन फाइबर एंड इट कंट्रोल्स कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इट इज़ हाईली फिलिंग। सो बिफोर आई मूव ऑन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर टाइमली अपडेट्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गरम करेंगे या एनी ऑयल ऑफ योर चॉइस। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज़। ऑयल में ग्रीन चिलीज़ हम इसलिए डालते हैं ताकि ऑयल में मिर्च आ जाए, फ्लेवर आ जाए। फिर 1 टीस्पून राई डालेंगे और 10 से 15 कड़ी पत्ते, और इसको हम कवर कर देंगे 15 सेकेंड्स के लिए ताकि जो हमारी राई है और पत्ता है अच्छे से चटक जाए और आसपास की गैस भी गंदी नहीं होती है और सारे फ्लेवर्स आपके ऑयल में आ जाते हैं। सो मेक श्योर यू कवर इट। फिर आप इसमें कुछ सब्जियां डाल दीजिए, 1 अनियन, 1.5 टमाटो एंड हाफ कैप्सिकम। आप चाहें तो मटर और गाजर भी ऐड कर सकते हैं। फिर इन सब्जियों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, विल गिव इट अ रफ मिक्स। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3/4 टीस्पून काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट, 3/4 टीस्पून सौंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर, अ पिंच ऑफ हींग, 3/4 टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। विल सौते फॉर अनदर 1 मिनट। इससे ज़्यादा सौते नहीं करना है, हमें सब्जियों का क्रंच मेंटेन करना है। ज़्यादा सौते करेंगे तो वो एकदम घुल जाएंगी सब्जियाँ, वो मज़ा नहीं आता है फिर ओट्स में। अब 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप रोल्ड ओट्स और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ओट्स और सब्जियां अच्छे से बाइंड हो जाएं। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्चें और डाल रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छा कच्चा फ्लेवर आए, और 1 टीस्पून चाट मसाला मैं अब डालूंगी। हम पहले भूनने के टाइम नहीं डालते हैं चाट मसाला, हम बाद में डालते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 कप्स ऑफ वाटर और पानी को हम एक बॉईल लगा देंगे। अब ओट्स में हम पानी डाल चुके हैं, उसमें बॉईल भी आ चुका है, तो अब हम ढककर इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, अभी भी ये थोड़ा सा कम पका हुआ है। इसमें हम इस पोजीशन पे 1/4 कप ऑफ हरा धनिया डाल देंगे, फ्रेश कोरिएंडर। इससे क्या है, ओट्स में बड़े अच्छे से धनिया का फ्लेवर मिक्स हो जाता है। अब अगेन हम इसको लो फ्लेम पर सिमर करेंगे फॉर 2 मिनट्स, ढककर पकाएंगे। अब मेरा ओट्स एकदम अच्छे से पक चुका है, इट इज़ फाइनली कुक्ड। तो हम इसमें डालेंगे 1/2 लेमन जूस। गैस मैं बंद कर चुकी हूँ, गैस बंद करने के बाद ही आप लेमन जूस डालिए एंड सर्व हॉट योर टेस्टी यमी हेल्दी 1 पॉट मील विच इज़ मसाला ओट्स। इट्स रेडी। बहुत ही अमेजिंग लगती है ये रेसिपी। आई एम श्योर बहुत लोगों को इस रेसिपी की टेक्निक पता है, बट इसमें बात है अगर आप सही मेज़रमेंट और सही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, सो आई एम प्रिटी श्योर योर किड्स एंड फैमिली विल लव दिस रेसिपी। आई विल वेट फॉर द फीडबैक। थैंक यू सो मच।